देखिए देखिए कौन है, ठीक है, ये इसमें मिला है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस दिखाइए, ये कौन एसडीएम का बक्सा आया है, अब कौन एसडीएम की गाड़ी से आई है, फोन लेकर आया, लाइव चला, सब लोग लाइव चला। ये देखिए प्रयागराज में, ये देखिए ये पर्चियाँ पकड़ी गई हैं। आप एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मीडिया भाई आप भी देखिए, ये चोरी पकड़िए, ये अभी हमने बक्सा में, ये हम लोग बक्सा में चेक करा है, और जो अधिकारी ये बक्सा लेकर आया है उस अधिकारी से पूछा जाए ये क्यों मिला बक्सा के अंदर, बक्सा के अंदर रुक जाइए, रुक जाइए, ये हमने चेक करा है, रुक जाइए, भाड़ो ना दो, अरे यार ऐसा छोड़ दो, ये हमने बक्सा में से इसको पकड़ लिया, ये कैसे मिला, ये क्या है, ये क्या है, अगर बात सुनने देंगे तो रुक जाइए सर, बेटा 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 सर, ये हमने अभी बक्सा चेक करा, इसको हमने मिला, जिस अधिकारी के साथ ये बक्सा आया है वो अधिकारी को बुलाया जाए, ये क्यों बक्सा के अंदर मिला, मैं 256 फूलपुर का चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ, 256 फूलपुर का चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ समाजवादी पार्टी का, आज तक ये रात में हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये कल से निकल, आज ये बक्का और ये कहाँ से आई है, ये किसकी लापरवाही है, जिस अधिकारी की लापरवाही है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे हमने पूछा ये क्या चीज है, जब देखा ये एवियन का वो है, ये कैसे मिला है, ये अधिकारी मुझे जवाब दे, वो अधिकारी मुझे जवाब दे, अधिकारियों से ये कहाँ से आया है, मैं रात भर बैठा हूँ चीफ इलेक्शन एजेंट 256 फूलपुर समाजवादी पार्टी, लेकिन ये तरीके धांधली हो रहे रात में, मतलब ये है ये खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है, अगर ये प्रत्याशी, अगर ये बीपी पैड है, ये एक लिखित होता है, लिमिट होता है, इसको ये कहाँ से मिला, इस प्रशासन द्वारा, जो ये प्रशासन की गाड़ी में, प्रशासन के पास से ये कहाँ मिला, हमारा जवाब ये है, समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम, जब तक संबंधित अधिकारी नहीं आएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी ने, जिला निर्वाचन अधिकारी आए यहाँ पर, जिला निर्वाचन अधिकारी आए और बताएं कि ये वक्ता कहाँ से आया है, तब तक हटाया नहीं जाएगा, ये हम लोगों की मांग है, समाजवादी पार्टी के लोगों की मांग है।